अब स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118। कह रहा है 11 होल 1/3 मीटर लॉन्ग रोप इज कट इनटू इक्वल पीसेस मेजरिंग 7 होल 1/3 मीटर ईच, हाउ मेनी सच स्मॉल पीसेस आर देयर। अब देखो ये बात आपको शायद नहीं समझ में आ रही होगी, मैं आपको इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। देखो बच्चों ये क्वेश्चन छोड़ो, आप पहले एक सिंपल क्वेश्चन लो। देखो मान लो कि आपके पास जो टोटल लेंथ है वो है 8 मीटर की। ये देखिए एक पाइप है, ये ऐसे लंबा सा एक पाइप है 8 मीटर का। कितने मीटर का? 8 मीटर की टोटल लेंथ है। 8 मीटर क्या है इसकी टोटल लेंथ है। पहले एक इजी क्वेश्चन कर लो आप, फिर ये वाला समझ में आएगा। ठीक, टोटल लेंथ कितनी? 8 मीटर। ठीक, अब हमने इसको क्या बोला, हमने बोला कि भाई इसको ना 2-2 मीटर के इक्वल पीसेस में कट करो। कितने कितने के? 2-2 के। ठीक, तो आप बोलोगे ठीक है सर 2 मीटर है ना, ऐसा 1, 2, 3, 4। ये बहुत अच्छा तो नहीं बना है, रुक जाइए जरा। देखिए ये इस तरीके से इसको 2 मीटर, मतलब ये देखिए अब आपको समझ में आएगा। देखिए इसको 2 मीटर के इक्वल पीसेस में हमको स्मॉल पाइप्स में डिवाइड करना है, तो टोटल कितने पाइप निकल के आएंगे? 4 पाइप निकल के आएंगे। चेक कर लो, ठीक है, चेक कर लो भाई। ये हो गया, ये पीस हो गया 2 मीटर का है ना, फिर ये हो गया 2 मीटर का। ठीक, यहाँ से कट लगाया तो ये वाला पाइप मिलेगा, ये देखो ये बाहर हो गया ऐसे पाइप। ठीक, यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट तो एक पाइप यहाँ से मिला होगा ये वाला, फिर एक पाइप यहाँ से मिला होगा, यहाँ से कट ये देखिए, और एक बार यहाँ से कट लगाया होगा तो ये एक पाइप और मिला होगा। तो टोटल आपको 2 मीटर के ऐसे कितने पाइप्स मिल गए? 4 पाइप्स मिल गए। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमने आपको क्वेश्चन दिया था टोटल लेंथ 8 मीटर की है और 2 मीटर मतलब ईच पाइप का जो लेंथ है वो 2 मीटर होना चाहिए, तो बताओ ऐसे कितने पीसेस निकल के आएंगे? तो आप मेरे को पता है क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पीस का फॉर्मूला आप मेरे को बताते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ पीसेस कैसे निकालते आप? ऐसे ही तो निकालते, आप बोलते सर टोटल लेंथ ऑफ द पाइप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच पाइप। देखो ध्यान से क्या कर रहा हूँ, टोटल लेंथ कितनी थी? 8 मीटर, तो 8 मीटर डिवाइडेड बाय 8 मीटर, टोटल लेंथ 8 मीटर, लेंथ ऑफ ईच पीस, हर एक पीस का लेंथ कितना रखना था? 2 मीटर। सो 2 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, 2 × 2, 2 × 4 = 8, 4/1, 4। कितने पीस आ गए? नंबर ऑफ पीसेस 4, 1, 2, 3, 4। ठीक, ये समझ में आ गया। अब यही केस आपको यहाँ पर दिया हुआ लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में दिया, कह रहा है कि 11 होल 1/3 मीटर लॉन्ग रोप इज कट इनटू इक्वल पीसेस मेजरिंग 7 होल 1/3 मीटर ईच। मतलब समझो इस बार जो आपका पाइप है वो कितना लंबा है पता है? जो टोटल लेंथ है वो पाइप की कितनी है? ध्यान से चेक करो। देखो सॉल्यूशन में आपको डायरेक्ट बताता हूँ, यहाँ पे देखिए टोटल लेंथ कितनी बच्चों, टोटल लेंथ पाइप की कितनी, पढ़ लो क्वेश्चन पढ़ो, टोटल लेंथ कितनी है? 11 होल 1/3 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब पाइप तो नहीं है, रोप है, रस्सी है। अरे पाइप और रस्सी, उसका क्या मतलब है? ठीक है ना, देखो 11 होल 1/3 मीटर ये इसकी टोटल लेंथ है, तो टोटल लेंथ हो गई 11 होल 1/3 मीटर, ये इसकी टोटल लेंथ है। अब इसकी टोटल लेंथ को आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओ, कैसे लेके आते हैं? तो मिक्स फ्रैक्शन में 3 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 11 = 33, 3 × 11 = 33, 33 + 1 = 34, सो 34/3 मीटर, ये हो गई इसकी टोटल लेंथ। ठीक, अब कह रहा है कि दिस मच लॉन्ग रोप इज कट इनटू इक्वल पीसेस मेजरिंग 7 होल 1/3 मीटर ईच, यानी कि ईच पीस का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ईच पीस, यहां पे देखिए लेंथ ऑफ ईच पीस कितना लेंथ है बच्चों? हर एक पीस का, ईच पीस का बहुत सारे पीसेस निकल के आएंगे इक्वल साइज के, है ना, तो ईच पीस का लेंथ कितना है? 7 होल 1/3 मीटर। सॉल्व करिए, 3 × 7 = 21, भाई इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओ, 3 × 7 = 21 + 1 = 22, 22/3 मीटर। ठीक, अब आपको उसने बोला है हाउ मेनी सच स्मॉल पीसेस आर देयर, यानी कि आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ पीसेस निकालने, नंबर ऑफ पीसेस का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल लेंथ बाय लेंथ ऑफ ईच पीस, ईच पीस लिख दो पाइप की जगह, ईच पीस। ठीक, पहले इतना कॉपी करिए, मुझे थोड़ी सी जगह अच्छी होगी, ये एग्जांपल जरूर नोट कर लेना, इसी एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं। नोट करिए उधर का बच्चों, वीडियो पॉज करके।
नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट नोट कर लिया। चलो अब देखिए यही वाला फॉर्मूला हम अपने क्वेश्चन के लिए लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीसेस या नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस, नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस, कितने स्मॉल पीसेस बनेंगे, ये फॉर्मूला कैसे मिलेगा हमें। टोटल लेंथ ऑफ द रोप, यानी कि टोटल लेंथ न्यूमरेटर में रखेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच पीस, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल लेंथ, ठीक। और ये वाला जो डिवाइड है इसकी जगह हमने ऐसा लगा दिया डिवाइड का साइन, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं भाई, चेक कर लो ना, ऐसे डिवाइड लगाओ, ऐसे लगाओ, बात क्या सेम है, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच पीस, बस अब वैल्यू रख दीजिए। टोटल लेंथ कितनी, टोटल लेंथ कितनी, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें रखेंगे, टोटल लेंथ है 34/3 meters, सो 34/3 meters डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस कितना है 22/3, यानी कि 22/3। अब ध्यान से चेक करो, 34/3, सो 34/3 को डिवाइड लगाना है 22/3 से, ठीक। ये टोटल लेंथ है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच पीस, ओके 34/3। अब डिवाइड की जगह हम क्या लगाएंगे, क्रॉस, और जो सेकंड वाला नंबर है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ऐसे ही तो डिवाइड लगाते हैं, फर्स्ट वाला नंबर ऐसे ही रहेगा और सेकंड वाला नंबर, ये जो डिवाइड, डिवाइड की जगह हम क्रॉस लगा के इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 3/22 कर देंगे, ओके स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से। नाउ अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक आई थिंक हुई है मेरे ख्याल से, नंबर कॉपी करने में बेटा कुछ गलती हो गई मेरे से क्वेश्चन में, है ना। नंबर यहाँ था बेटा कितना, ये था 117, है ना, तो ये 117/3 ये थी टोटल लेंथ, ठीक। और तो ये थी कितनी, 117 थी इसकी टोटल लेंथ, है ना, ये मेरे से गलती हो गई, तो थोड़ा सा करेक्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्वेश्चन कॉपी करने में गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी। चलो तो टोटल लेंथ कितनी है, 117/3, है ना, इसको सॉल्व करिए, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओ, तो 3 × 117 करोगे और प्लस 1 कर दोगे, ठीक। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, 117 × 3, 3 × 7 = 21, 2 × 3 = 3 + 2 = 5, 3 × 3, ठीक है, कितना आ गया, 3 × 117, 351 में 1 ऐड करोगे 352, तो 352/3 meters, ठीक है ना, ये हो गई टोटल लेंथ। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है बच्चों, मेरे क्वेश्चन गलत उतार दिया था। नाउ टोटल लेंथ कितनी है, 352/3 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच पीस कितना है, 22/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो 352/3 और डिवाइड की जगह हम क्रॉस लगा देंगे और सेकंड वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/22, ठीक। अब ध्यान दें, 3 × 3 और 3 × 3, ठीक। अब 11 × 2 = कितना होता है, 22, और 352 को 11 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, यहाँ दिखाता हूँ मैं, 352 को 11 से डिवाइड करिए, 11 × 3 = 33, 5 − 3 = 2, ये वाला 2 कॉपी करेंगे, 11 × 2 = 22, ठीक, रिमाइंडर 0, यानी कि 11 × 2 = 22 और 11 से अगर हम 352 को डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा, तो यहाँ हो गया कितना, 32। अब आप चेक कर लो क्या हो गया, 32/1 × 1/2, सो 32 × 1 = 32, और आप कैंसिल भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, या फिर आप ऐसे कर लो, 32 × 1 = 32/1 × 2 = 2, 2 × 2 = 2 और 2 × 16 = कितना होता है, 32, 16/1 कितना आ जाएगा आंसर आपका, 16, सो 16 पीसेस टोटल बनेंगे, ठीक है। तो इतना लंबा अगर आपका रोप है 17/3 और इसको हमने कुछ इक्वल पीसेस में काटा, तो कितने इक्वल पीसेस होंगे, टोटल 16 इक्वल पीसेस होंगे और हर एक पीस का लेंथ कितना होगा, 7/3 meters, ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल पीसेस जो बनेंगे वो कितने होंगे, 16 पीसेस, ओके, नोट कर लीजिए।